Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सबका आज के मुख्य डिफेंस न्यूज में। और आज के पहले डिफेंस न्यूज में हम बात करने वाले हैं इंडिया के इंडिजिनस अनमैन्ड एरियल व्हीकल के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ये खबर आईएएफ की तरफ से आ रही है, जहाँ पे आईएएफ चीफ ने मीडिया को दिए एक बयान में ये बताया है कि इंडियन एयरफोर्स के पास इंडिया का अपना ही वेपनाइज्ड यूएवी अगस्त 2020 तक आ जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने बहुत सारे सवालों के आंसर किए और जब उनसे पूछा गया कि आप तापस के, जो कि इंडिया का अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ये फ्यूचर को कैसे देखते हो, तो इसका आंसर करते हुए उन्होंने कहा कि जो मीडियम अल्टीट्यूड लो एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट है तापस, जिसे पहले रुस्तम 2 के नाम से बताया जा रहा था और जिसे अभी फिलहाल डेवलप कर रही है डीआरडीओ, और ये ड्रोन बहुत ही कारगर साबित होने जा रहा है इंडिया के यूकैप घातक को डेवलप करने में, जो कि डीआरडीओ, डीएनडी और एडीए इन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। और ये प्लेटफॉर्म हेल्प करेगा इंडिया को अपना ही मल्टी रोल कैपेबिलिटी वाला घातक यूकैप डेवलप करने में। और इस बारे में बात करते हैं, उन्होंने ये बताया कि अभी तापस के मीडियम ऑर्डर क्वांटिटी को हम देख रहे हैं, जो कि अगस्त 2020 तक डेवलप हो जाएगा, और एक बार जैसे ही इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो अगले 2 से 3 सालों में इसको इंडक्ट कर लिया जाएगा इंडियन एयरफोर्स में। और उन्होंने ये भी बताया कि इंडियन एयरफोर्स ये प्लान कर रही है कि अगले 2 से 3 सालों में आरपीए को इंडक्ट किया जाए और उनको प्रोक्योर किया जाए। इस मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने बहुत सारे सवालों के आंसर किए, लेकिन उनमें से मुख्य यही था कि वेपनाइज्ड ड्रोन 2020 से पहले पहले आईएएफ को इंडिजिनस मिलने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे डिफेंस न्यूज की तरफ। और आज के दूसरे डिफेंस न्यूज में हम बात करने वाले हैं तेजस MK-1A के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक रिसेंट मीडिया इंटरव्यू के दौरान हेल के चेयरमैन आर माधवन जी ने बताया है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 2 से 3 महीने में तकरीबन जो बाकी के 83 LCA-Tejas Mk-1A का ऑर्डर था, उसको IAF से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि IAF उस ऑर्डर को प्लेस करेगी, और उसके लिए उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से वो Tejas Mk-1A का प्रोडक्शन है वो 24 पर एनम करने में लगे हुए हैं। और इस प्रोडक्शन रेट को अचीव करने के लिए जो जो नई फैसिलिटी चाहिए होगी वो सभी स्टैब्लिश करने में अभी जुटी हुई है HAL, ऐसा कहना है आर माधवन जी का। और उनका मानना यह है कि हेल बेंगलोर में जो तेजस की फैसिलिटी है तेजस मैन्युफैक्चर करने की, वो अभी फिलहाल 8 तेजस पर एनम की थी, लेकिन उसको अब 16 तेजस पर एनम करने की कोशिश की जा रही है। और आने वाले दिनों में हेल बेंगलोर में तेजस की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वहाँ पे जो प्रोडक्शन रेट है वो 8 से बढ़ा के 16 करने की प्लानिंग चल रही है अभी। और ऐसी उम्मीद है जितने भी FOC लेवल के तेजस हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग मार्च के बाद से स्टार्ट कर दी जाएगी, उन सभी FOC लेवल के तेजस को 2020 के मार्च तक डिलीवर करने की सोच लेके आगे बढ़ रही है HAL। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर HAL हेल बेंगलोर फैसिलिटी में 8 तेजस पर एनम से 16 तेजस पर एनम के लिए प्रोडक्शन लाइन एस्टेब्लिश करने में सफल रहती है तो। वहीं दूसरी तरफ आर माधवन जी का ये मानना है हेल की नासिक फैसिलिटी अभी अंडर यूटिलाइज चल रही है, जहां पे 5 तेजस पर एनम मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं, लेकिन उसको बढ़ा के 8 तेजस पर एनम भी किया जा सकता है। और उनका ऐसा मानना है कि नासिक फैसिलिटी में जो 230 MKI मैन्युफैक्चर हो रहे थे और उनके लिए जो प्रोडक्शन लाइन एस्टैब्लिश थे, उन प्रोडक्शन लाइन को भी यूटिलाइज किया जा सकता है तेजस की मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि कुल मिला के नासिक फैसिलिटी से 8 तेजस हो पाएंगे और बेंगलोर फैसिलिटी से 16 तेजस हो पाएंगे, तो ये दोनों मिला के 24 तेजस पर एनम ऑल इन ऑल बना पाएंगे, जिसकी वजह से जो तेजस MK-1 की मैन्युफैक्चरिंग है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगी। और उन्होंने ऐसी डेडलाइन दी है कि 2021-22 तक, अगर ये डील 2019 में साइन होती है तो 21-22 तक MK-1A सभी डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी डिफेंस न्यूज की तरफ। और आज की तीसरी डिफेंस न्यूज में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी को मिले 6th लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी, जो कि एक शिप है, इसके बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ये खबर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आ रही है, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सैटरडे को ये अनाउंस किया है कि इंडियन नेवी ने इंडक्ट कर लिया है अपना 6th लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप, जो कि Mk-4 क्लास शिप है। और ये बेसिकली क्या करते हैं, जो ट्रूप, टैंक और इक्विपमेंट्स के ट्रांसपोर्ट होते हैं उनको ईजी बनाते हैं। और इस शिप को अभी इसका बेस तय किया गया है अंडमान एंड निकोबार में, वहां से इंडियन के ईस्ट कोस्ट पे जो भी ट्रांसपोर्ट सुविधाएं होंगी वो ये शिप प्रोवाइड करेगा। और अभी फिलहाल इस शिप पे तकरीबन 5 ऑफिसर और 50 सेलर्स ऐड किए गए हैं। तो ये थी आज की टॉप 3 डिफेंस न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई केवल लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।